अच्छा जी, एक ऐसा है कि मैंने आज इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई है अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक के हवाले से। इसलिए मैं पहले यूट्यूब वालों को बता दूं, क्योंकि जब तक आप ये व्लॉग देख रहे हैं, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये हो चुकी होंगी। और ये कि इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से जो भी व्लॉग है या मोटिवेशन वीडियो है या टिकटॉक पे जितने भी म्यूज़िक वाली वीडियोज़ है ना, वो सब प्राइवेट हो रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। आज के बाद सिर्फ चैट चैट चला करेगी, म्यूज़िक नहीं मैं आपको शेयर कर सकता और ना करूँगा इन फ्यूचर, क्योंकि क़यामत बहुत नज़दीक है। क़यामत की जो पहली निशानी है वो ये है, दूसरी ये है, और इस म्यूजिक वजह भी से ब्लॉक कर रही है। नहीं, वैसे ये हमने अच्छा डिसीजन लिया कि नहीं, यार मुझे कमेंट में बताएं। और रात को एक ट्रेजिडी होगी मेरे साथ, बड़ी जी गंभीर किस्म की, वो आपको मैं बताता हूँ, साथ साथ दोस्तों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों बगैरतों को मैंने कॉल की। एक ने सायरन लगाया था क्योंकि उसकी मशूक भागी हुई है किसी के साथ, इसलिए उसको टेंशन नहीं है। और ये वाला जो है, इसने सुबह कार्डियो करनी होती है, ये ज़रा मोटिवेटेड है, इसके लिए इसको मैं कुछ नहीं कहता, इसका नेवर माइंड है। कल मीटिंग थी हमारी जी, यार मैंने व्लॉग दस्तें दे। अच्छा, तो ऐसा है कि खैर शॉप वगैरह ली, उधर से मीटिंग पे आए, लेट हो गए, एक्सरसाइज, अब 4 घंटे लग जाते हैं एक्सरसाइज करते। रात के जी 2 बज गए, बारिश भी हो रही है, मौसम भी फुल फॉग है बाहर। मैं निकला हूँ, गाड़ी स्टार्ट की है, हीटर ऑन की है। अब मेरी गाड़ी जब स्टार्ट पे अनलॉक होती है ना, तो वो लॉक नहीं हो सकती। मैंने फिर भी हल्का सा दरवाज़ा बंद किया, और कुछ वो ढलान इस तरह थी कि गाड़ी खड़ी इस तरह थी कि अगर दरवाज़ा आप खोल के छोड़ते भी थे ना, तो वो बंद हो रहा था। खैर मैंने हल्का सा बंद किया, मैं ना वो मिरर टॉवल निकाला और मैंने उसको साफ़ करना शुरू किया, फोग आगे से ख़त्म करने के लिए। मैंने कहा चलो तब तक गाड़ी भी ज़रा गर्म हो जाएगी, हीटर ऑन हो जाएगा, ईजी होगा, बैठ जाऊँगा गाड़ी में। वो क्या हुआ जी, गाड़ी होगी लॉक, चाबी अंदर, गाड़ी स्टार्ट है, ऊपर से मुझे चढ़ा हुआ था गुस्सा, डायबिटिक्स ले रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ, तो सोडियम आउट है तो गुस्सा आ रहा है। मैंने गाड़ी को ना ज़रा ज़ोर से करके हिलाया, गाड़ी होगी बंद, आगे से फ्रंट लाइटें भी चल रही हैं, आगे फ़ैन चल रहा है, हीटर ऑन तो उसका फ़ैन चल रहा। घर पे कॉल की, 2% बैटरी मोबाइल की, आईफोन मेरे पास यही, और वॉलेट में कैश मेरे पास, यार हीटर ऑन कर दे रही, फॉग ब्लर हो रहा है शीशा। तो मैं कह यार ये कि मसला हो गया, रात दा मतलब 2:30 हो रहे हैं और पास में इतनी कीमती चीज़ें भी हैं। मैंने सबसे पहले टॉवल में हर चीज़ लपेट के ना वो गाड़ी के नीचे रखी, घर पे कॉल कर दी कि मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, दूसरी चाबी ले आओ गाड़ी की, इसको अनलॉक करना है। खैर वो उन्होंने, उनके अभी तो मैंने दूसरी गाड़ी ख़रीदी नहीं है, वो तो अभी टाइम है उसमें, मतलब 2-3 दिन का। और उन्होंने फिर पहले कज़न को कॉल की, उसने मना कर दिया आने से, साफ इनकार कर दिया, बड़ा कुछ अव्वल किस्म का था वो, और कज़न मेरा, मैं स्पेशली टैग कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने जी एक रिक्शा वालों को कॉल की, वो रात को उठे हैं, उन्होंने रिक्शा वगैरह निकालते आते, नया घर था, उनको पता नहीं था लोकेशन क्या है, तो 40 मिनट लगे, गाड़ी की बैटरी होगी डाउन, वो आया गाड़ी अनलॉक की। तब तक मैं सर्दी में मतलब फिरता रहा, कोई मतलब बंदा ना बशर ना बंदे दी जात, तो कंजर लोग जरा फ़ोन नहीं चुकते, और मैं दिखाया नहीं तेनों, अच्छा हूँ तो आ गया नज़र। किस और गाड़ी को आ गया था, चल नहीं रही थी। भाई बंद हो गया, अंदर चाबी पड़ी, गाड़ी लॉक हो गई। अच्छा मैंने 2 पत्थर उठा के मारे उसके पिछले शीशे में, टूट जाए, शीशा नहीं टूटा, साइड मिरर ये तोड़ लेते, एक हौड़े अजय एक ही गल, मैं गल कर रहे हैं, तोड़ लेते शीशा आराम और मैं नाल, पिछले दो बड़े बड़े पत्थर उठा के मारे, नहीं टूटा। जिम करते मेरा आंदा शीशा नहीं टूटा, मैं ले आ गया कोनी मार के तोड़ के आवांगा जे तू शीशा। कोनी मार के मेरी मेहरान दा शीशा तोड़ दे, मेहरान तेरी ते जना टूटी स्विफ्ट उत्थे खड़ी कर दी। ते वड्डा मार के टूटी ओ बड़े, मैं एडा वड्डा पत्थर मारे तेरे, मैं जाके दिखाना नहीं टूटिया, मैं तेनू की कह रहा वा, ਤੜੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਰਦ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਵਲੌਗ ਹਮ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਗਾੜੀ ਕੋ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਗਾੜੀ ਕਾ, ਕਈ ਜੋ ਟੈਮਿਕ ਚੈਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇੰਜਨ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਵੋ ਕਹੀਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਗਾੜੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀ, ਪੀਛੇ ਆਇਆ वो, फिर मैंने गाड़ी को जो है ना वो मतलब कि वो कहता जी मैनू तो नहीं लत लानी आती, फिर रिक्शा भी चलाया नाल, मैं लत भी लाई उन्हों, मैं गड्डी च बिठा दूँ, बस स्टेयरिंग संभाल। वो मैनू पता मैं किदा राती गड्डी लैके गया, अल्लाह दी कसमे, हुण मैकेनिक नूं भेजी तदे ते तैनूं लैण आया, खुली फिर चाबी घरों मंगा ली सी ना, रिक्शा वाला चाबी लै आया सी, अम्मी नाल सी, अम्मी गड्डी च बैठे, तू गड्डी भारी हुई, तू मैं लत ला के मेरी लै दई लत, मैं सुबह रात, अच्छा मैं घर पहुंचा हांपता हांपता, मैं वॉशरूम गया, मैं हॉट शावर लिया, मैं लेग फ्लैक्स की, एक लग छोड़ी थी, एक दे मसल ही मसल लेफ्ट कर ला हूँ बस कर, बस तो थले लेनी है। खैर जी ये बात थी, रात को ये ट्रेजिडी हुई थी और बस
जहाँ पे गुड न्यूज़ होती है वहाँ पे थोड़ी सी बैड भी हो जाती है, पर मैंने थोड़ा इसको ना इन्जॉय किया था, थोड़ा सा गुस्सा भी था, हाइपर भी था कि वो रिक्शे वाला लेट आया था थोड़ा, बट इन्जॉय भी किया इसको फिर मैंने। लेकिन एक और ये कि अब हम वर्कआउट करेंगे, इधर अपने भी चंगा काम किया जिंदगी च पहला, और तो खाची मारी लेकिन जी जिम पहुँच गया रात को, इसी जगह पे, इस जगह पे मैं खज्जल हुआ हूँ रात को, ठीक है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इधर आ, इधर आ, इतने खज्जल होया वहाँ, इधर आ, आ पत्थर देख, इधर आ पत्थर मार रहा मैं राती, इस मार के चेक करिए हूं नहीं नहीं ओके सो मैं जिम में इंटर हो रहा हूँ अभी, और वर्कआउट का टाइम है जी, ये जिम है, वेल ये जिम मेरा है और साथ मेरे दोस्त का सामा का। ओ भाई साहब इतनी गोलियां रोज 50-50 गोलियां खाओ फिर जाके बॉडी बनती है, चेक करो। इतने बड़े कैप्सूल एक दफा में खा गया, आने से पहले कोई 12 खा के आया हूँ, दोपहर को मैंने कोई 18 खाए थे, सुबह मैंने कुछ 24 खाए थे। इतनी मेडिसिन खाओगे तो ही बॉडी बन सकती है, इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। अब बाकी सप्लीमेंट लेता हूँ, और इंसुलिन कट्स है, बीसीएबल है, आइसोलेट प्रोटीन है, फिर घर चलते हैं। ओके वर्कआउट दिखाता हूँ आपको, FST7 बाइसेप्स है और बहुत अच्छा वर्कआउट होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्लॉग में सिर्फ चिट चैट हुआ करेगी, अभी वार्म अप चल रहा है धीमे धीमे सा, सॉन्ग मैंने बंद कर दिए क्योंकि हम गुनाह जारिया जो है वो ख़त्म करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में से आप सबके लिए, आप सब इस चीज़ का सबब ना बने, ना हमें गुनाह हो ना आपको हो, आप भी जन्नत में जाएं मैं भी जन्नत में जाऊं। ना पॉज देने हैं, पहला 5 था पॉज था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर डबल, हूँ 4। स्लो स्लो रैपिंग, हूँ 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉज आ जाए, ऊपर आके अलग ही फील हो जाती है, बड़े दिन बाद आता हूँ, मतलब कि सारी गेम ही नीचे हो जाती है, इतना तो हमारे पास नीचे सामान है, ऊपर भी अच्छा सामान है, लेग के लिए ऊपर आना पड़ता है और कुछ समटाइम चेस्ट के लिए ज़्यादातर, एब्स मैं नीचे लगा देता हूँ ऊपर मैं लगाता नहीं, हालांकि एब्स के ऊपर एटलीस्ट 1, 2, 3, 4, 5 and 6 मशीन एब्स के ऊपर ही पड़ी हैं। अभी फ्लोरिंग रहती है सी यूनिट की, वो हम कर लेंगे, असल में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं दी है इसके ने, दे देता तो शायद हम फ्लोरिंग अभी तक कर चुके होते, लेकिन अभी अभी अपनी जेब से पैसे लगाए हैं सारे, 4.5-5 लाख तो ऊपर ही लग गया है। चलो मैं आप पढ़ा नाड़ा तो इदा निकलियाँ इनिया नाड़ा एक होर जगह तो भी है वा लैग त
ये सेट हिट करना चाहिए तब तक जब तक आपको लगे कि आपके बाजू थक रहे हैं, जब लगे कि शोल्डर में फटीग आ रही है, शोल्डर हिट होना शुरू हो गया, समझे बस मसल पंप हो गया, इसके आगे आप शोल्डर का बिड़ा कर रहे हो तो लगाने की जरूरत नहीं है अंटिल यू गेट द स्पोर्ट, बट माय पर्सन इज होल्डिंग द कैमरा। हम जो है वो अपनी गेम के इख्तिताम पे तो नहीं आए, लेकिन ये FST 7 सेट है, एक ही दिखाऊंगा क्योंकि 7 सेट है, 15 सेकंड रेस्ट होती है, बाकी स्क्वीज करना होता है, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, आपको इतना टाइम शाइम देना नहीं होता, पहली बड़ी लंबी चवले वार की बीच में, एक ही सेट देख लो और इसके बाद फिर आगे मजीद इसको हमने आगे ट्राइसेप को भी लगाना है, लेकिन ये कॉम्बो सेट होगा बाइसेप और ट्राइसेप का, इसमें दोनों का FST इकट्ठा हो जाएगा, फिर दो सेट और हम ट्राइसेप के लगाएंगे, तो आ जाए मेरे साथ। साथ बैठे हैं कॉन्स्टेंट वेट, फर्स्ट